हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो मैं अशोक कुमार, मैं आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चंस हमें कम्प्लीट करने हैं। ये हमारे 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हमने 80 क्वेश्चन कम्प्लीट कर लिए हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे साथ आज नया जुड़ा है तो पहले वाले लेक्चर ज़रूर देखें, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको नए देखने को मिलेंगे और इंपॉर्टेंट बातें आपको देखने को मिलेगी। डिटेल से मैंने आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर समझा रखा है। अधिक जानकारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो KTP क्लासेस ऐप को। यहाँ पर सभी प्रकार के ये टेक्निकल कोर्सेज अवेलेबल है, और कोई आपको डाउट हो तो आप इस नंबर पर क्या है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप रिप्लाई करें, आराम से पढ़िए, बिल्कुल ठीक है, फ्रेश माइंड होकर आराम से पढ़िए। और इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, उसके बाद मैं आपको इसका डिटेल से सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना, ठीक है, जल्दी जो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट को संचालन के लिए धारा प्रभाव की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि धारा का प्रभाव उस पर नहीं लगता, तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट की बात करें, इसके अंदर तो हमारे पास धारा प्रभाव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी धारा प्रभाव होता है, लेकिन आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा, थर्मोकपल पर किसी भी प्रकार का धारा का प्रभाव की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपका आंसर यही होना चाहिए कि थर्मोकपल हमारे पास क्या होता है, एक टेम्परेचर पर काम करता है, यानी कि टेम्परेचर के सिद्धांत पर यह काम करता है, ठीक है, हीटिंग के सिद्धांत पर। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर रहेगा 46 का थर्मोकपल। समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की, तो आज आपको काफ़ी भी क्वेश्चन मिलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी, तो उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसका आंसर रिप्लाई करें, आराम से पढ़े, फ्रेश ऑफ माइंड होकर, ठीक है, ध्यान से इसे पढ़ें। वह इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिसमें अधिकतम फ्रिक्वेंसी उचित सीमाओं के अंतर्गत सटीकता के साथ होती है, ठीक है, यानी कि बढ़िया एक्यूरेसी के साथ होती है, अधिकतम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ काम करता है, वो आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बताना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट रहेगा। बहुत ही नए क्वेश्चन है सारे, आपको डिटेल से एक एक बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आप रिप्लाई करें, क्या इसका आंसर रहेगा। 47 नंबर क्वेश्चन आज का, वैसे तो आज का 2 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड है, लेकिन नंबरिंग में क्या है कई बार ऊपर नीचे हो जाती है। वैसे हमने टोटल के 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं आज से पहले हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारे पास 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद टोटल सारे क्वेश्चंस हैं उनके आपको PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस की आपको PDF मिल जाएगी, और PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, PDF आपको मिलेगी KTP क्लासेस ऐप पर, ठीक है, वहाँ से आप क्या PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो, ओके। तो चलिए, इसका आंसर आपने रिप्लाई कर दिया होगा, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ क्या इसका आंसर रहेगा। देखिए हमारे पास क्या है, इसका 47 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा मैं सेटिंग सही कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, वह इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिसमें अधिकतम फ्रीक्वेंसी यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उचित सीमाओं के अंतर्गत सटीकता के साथ होती है। तो आपको पता होना चाहिए, आपने अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हम आगे करेंगे, तो इसका राइट आंसर तो पहले आपको ध्यान होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। अब आप बोलोगे जी इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे होता है, तो आपको एक दो बात मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास होता है, ये हाई यानी कि हाई की बात तो नहीं, अल्ट्रा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या रहेगा अल्ट्रा हाई वोल्टेज के ऊपर काम करता है। सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका ये होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंस्ट्रूमेंट है वो अल्ट्रा हाई वोल्टेज पर काम करता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पर भी क्या है बढ़िया काम करता है, बढ़िया एक्यूरेसी के साथ क्या काम करेगा, सटीकता के साथ, ठीक है। और मेन बात एक और आपको बात ध्यान रखनी है, क्या कोई बच्चा बता सकता है भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में हम कौन सी डैम्पिंग यूज़ करते हैं, देखते हैं कौन सा बच्चा बताएगा। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम डैम्पिंग कौन सी यूज़ करेंगे, रिप्लाई करें, यस, जिसको पता है एक बार रिप्लाई कर दें। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम यूज़ करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है,
फ्लूड फ्रिक्शन डैम्पिंग हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। ध्यान दे दीजिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आराम से मैंने सारी बातें आपको बता दी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की तीन बातें मैंने आपको बताई है, एक तो डैम्पिंग इसके अंदर फ्लूड फ्रिक्शन है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए काम करता है, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए होगा। तो यहाँ पर आपको अधिकतम फ्रिक्वेंसी का नाम दिखते ही क्या करोगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 48 नंबर। वैसे आज का 3 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, थर्मोकपल मापक यंत्र के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत कथन बताना है। थर्मोकपल तो बच्चों को पता होना चाहिए, थर्मोकपल के बारे में, थर्मोकपल क्या होता है, क्या कुछ इस पर काम करता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थर्मोकपल की। थर्मोकपल की बात करें, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, थर्मोकपल एक क्या करता है, स्थानांतरण यंत्रों के रूप में काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखा है, देखो फर्स्ट ये, वे स्थानांतरण यंत्रों के रूप में कार्य करता है, ठीक है, यंत्रों के रूप में होता है। स्थानांतरण का मतलब यानी ट्रांसफ़र करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, वे किसी भी प्रकार का अति भार उठाने में सक्षम है, यानी किसी भी प्रकार का इन पर अगर लोड हम प्रोवाइड करें तो उसको ये उठाने में क्या रहते हैं, उसको उठाने में सक्षम रहते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए थर्मोकपल के बारे में। उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, शक्ति की हानि बहुत कम है। यहाँ पर आपके लिए डाउट वाली बात ये रहेगी कि 48 का राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि थर्मोकपल के अंदर जो शक्ति की हानि होती है, यानी कि थर्मोकपल के अंदर पावर लॉस होगा, वो कम नहीं होता। पावर लॉस क्या होता है, इसके अंदर ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर हमारे पास ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि गलत कथन हमारे पास कौन सा है, यही इसका गलत कथन है, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, मैं आपको डिटेल से सारी बातें बता रहा हूँ। अगला आप सभी को पता है, थर्मोकपल की बात करें तो तापमान और समय का तो नाम इस पर आए ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी है इसका। तो राइट आंसर ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, यस, इसका आंसर आप रिप्लाई करें। 49 क्वेश्चन, किसी थर्मोकपल तत्व में गर्म जंक्शन को दी गई उष्मा मित्र, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा सा क्या है डाउट वाली बात है, यहाँ पर क्या रहेगा, उस मित्र का नहीं, उष्मा का प्रभाव होगा, ठीक है ना, उष्मा लिखना होगा यहाँ पर, कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, उष्मा, ठीक है। उष्मा ऊर्जा वापस विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित होती है, दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को, किसी थर्मोकपल तत्व में गर्म जंक्शन को दी गई उष्मा ऊर्जा वापस विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित होती है, इसका आपको आंसर रिप्लाई करना है, कैसे परिवर्तित होगी। तो देखिए यहाँ पर आपने एक नाम पढ़ा होगा, सी बेक इफेक्ट, सी बेक प्रभाव। तो 49 का राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी बेक इफेक्ट यानी सी बेक प्रभाव, इसका राइट आंसर रहेगा। अब आप बोलोगे जी सी बेक इफेक्ट क्या होता है, तो सी बेक इफेक्ट की बात करें, इसके अंदर हमारे पास क्या है, दो अलग अलग प्रकार के जो मेटल है उनको हम क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, यहाँ पर क्या है, कनेक्ट करवाते हैं, और एक साइड से क्या है, हम किसी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि डीसी सप्लाई प्रोवाइड करवाएंगे, यहाँ से सप्लाई प्रोवाइड करवाएंगे, तो दूसरी साइड में क्या है हमारे पास, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड हो जाती है। ये पूरा जो काम करता है प्रोसेस, इसको टच में नहीं करवाते, बिल्कुल इसके नज़दीक में ही रखते हैं। तो ये पूरा प्रभाव कौन सा होता है, ये पूरा प्रभाव होता है सी बैक इफेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास पूरा प्रभाव रहता है सी बैक इफेक्ट का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दी गई उष्मा ऊर्जा, यानी हमने क्या है, उष्मा ऊर्जा देंगे इसको यहाँ से, तो ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये भी काम करता है और विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में भी बदल देता है। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों ये प्रोसेस में काम करता है, यानी वाइस वर्सा काम करता है, कौन सा, सी बैक प्रभाव, ठीक है ना। उष्मा देंगे तो ये हमारे पास क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड करवाएगा, अगर विद्युत ऊर्जा यहाँ से देंगे तो ये क्या करेगा, उष्मा हमें प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी बैक प्रभाव। चलिए देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है आज का, 5वां शायद क्वेश्चन रहेगा, अत्यधिक प्रतिरोध पदार्थ को के लिए हीटिंग एलिमेंट के लिए चुना जाता है, ये आपको बताना है, हीटिंग एलिमेंट के लिए, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट के लिए चुना जाता है। इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए अत्यधिक प्रतिरोध पदार्थ को लिए, प्रतिरोध हमारे पास क्या ज़्यादा होता है, तो हीटिंग एलिमेंट के लिए हम चुनेंगे, किस लिए चुनेंगे, भी हीटिंग एलिमेंट की लंबाई कम करने के लिए, हीटिंग एलिमेंट की आयु बढ़ाने के लिए, ऑक्सीकरण के प्रभाव को कम करने के लिए, धारा की मात्रा की में वृद्धि करने के लिए,
आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन ना समझ आए तो एक बार मैं फिर से यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ कि जो भी मान लीजिए कोई हमारे पास हीटिंग एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए हीटर हम यूज़ करते हैं, हीटर के अंदर क्या है, वायर कौन सी यूज़ कर रहे हैं, नाइक्रोम की वायर हम यूज़ करते हैं हीटर के लिए, ठीक है, नाइक्रोम की वायर। तो ये जो नाइक्रोम की वायर है इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, वेरी हाई प्रतिरोध होता है, आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पर बोला गया है ये भी हम नाइक्रोम जो हीटर की वायर यूज़ कर रहे हैं ये वेरी हाई प्रतिरोध के लिए क्यों यूज़ करते हैं, ये आप बताइए, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो रिप्लाई कीजिए अब आप इसका आंसर, इसका आंसर आप रिप्लाई करें। तो ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास अत्यधिक प्रतिरोध रखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास जो हीटिंग एलिमेंट है उसकी लंबाई हमें कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि हम लंबाई जिसकी कम रखेंगे तो उसका हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, प्रतिरोध उसका क्या लेना पड़ेगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है, उसी मटेरियल को हम यूज़ करेंगे हीटिंग एलिमेंट के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एग्ज़ाम के अंदर आए हुए सारे क्वेश्चन सही हैं, ठीक है ना, तो कोई संदेह वाले एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 51 नंबर आज का शायद 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा। तो इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वर्टर में हीटिंग मेथड कौन सा है, ये आपने अगर UEE पढ़ी है, UEE, ठीक है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, UEE जिसने पढ़ी है उसके बारे में यहाँ पर इसके अंदर क्या रहता है, एक तो इल्यूमिनेशन का चैप्टर रहता है, एक हमारे पास हीटिंग का भी चैप्टर रहता है, वेल्डिंग वगैरह का, ठीक है, तो उससे ये क्वेश्चन उठा रखा है, तो इसका आप आंसर रिप्लाई करें। इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वर्टर में हीटिंग मेथड कौन सा होगा, आर्क हीटिंग होगी, रेजिस्टेंस हीटिंग होगी, इंडक्शन हीटिंग होगी, या फिर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होगी, यस, इसका आंसर आप रिप्लाई करें। तो देखिए हमारे पास इसके अंदर इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वर्टर में हम रेजिस्टेंस हीटिंग का यूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे कैसे यूज़ करते हैं, क्या इसके अंदर होता है रेजिस्टेंस हीटिंग, तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस हीटिंग एक है ये पावर, ठीक है, पावर फ्रिक्वेंसी हीटिंग का ये टाइप होता है, कौन सा, रेजिस्टेंस हीटिंग। आपको बोला जाए भी रेजिस्टेंस जो हीटिंग है वो किसका टाइप है, वो पावर फ्रिक्वेंसी हीटिंग का टाइप होता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें ये जो रेजिस्टेंस हीटिंग है वो कौन से सिद्धांत पर काम करता है, आई स्क्वेयर आर के सिद्धांत पर काम करता है। आप सभी को पता है आई स्क्वेयर आर क्या होता है, ये पावर का फॉर्मूला होता है, पावर लॉस का, ठीक है ना, आई स्क्वेयर आर, तो हीट के ऊपर काम करता है आई स्क्वेयर आर, और इसी पर काम करता है रेजिस्टेंस हीटिंग पर, ठीक है। अगला हमारे पास क्या रहेगा, अगर आपको पूछ लें कि यहाँ पर रेजिस्टेंस हीटिंग के अंदर तापमान का कितना रोल रहेगा, तो तापमान हमारे पास क्या रहेगा, 1000 डिग्री सेल्सियस तक क्या तापमान रखा जाता है, किसके अंदर, रेजिस्टेंस हीटिंग के अंदर। तो ये कुछ मुख्य बातें थी रेजिस्टेंस हीटिंग की, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वर्टर में रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड ही यूज करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप रिप्लाई करें। 52 नंबर आज का 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा, एक सिंक्रोनस मोटर को खालिस्तान लोड पर ज़्यादा किफ़ायती पाया जाता है, यानी कि हम किफ़ायती का मतलब भी बढ़िया खर्चा ना हो, कम खर्चा हो, ठीक है ना, इकोनॉमिक हमारे पास रहे, इकोनॉमिक हमारे लिए रहे, भी कौन से लोड पर इकोनॉमिक रहेगी हमारे लिए मोटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इसका आंसर रिप्लाई करें, 2 किलोवाट की मोटर पर, या फिर हमारे पास 20 किलोवाट, या फिर 50 किलोवाट, या फिर हमारे पास अगर 100 किलोवाट लोड हो तो उस पर, तो इसका आंसर रिप्लाई करें। जिस भी स्टूडेंट को अगर लगे हाँ सेशन काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है, तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें इस सेशन को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, हमारे पास अगर 100 किलोवाट का कोई लोड हो तब क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर का जो हमारे पास है वो किफ़ायती सिस्टम रहेगा, यानी इकोनॉमिक रहेगा, कम खर्चा लगेगा उस टाइम। तो आपके पास कम से कम लोड कितना होना चाहिए, 100 किलोवाट का जो लोड है वो ज़रूरी है सिंक्रोनस मोटर के लिए। अब थोड़ी सी बात सिंक्रोनस मोटर की आप सभी को पता ही होगी, जिसको नहीं पता है वो ध्यान दीजिए, सिंक्रोनस मोटर है वो क्या करते हैं, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करने वाली अकेली एक ऐसी हमारे पास सिस्टम रहता है जो सिंक्रोनस मोटर का, तीनों हमारे पास पावर फैक्टर पर काम करती है। और अगर हमें क्या है, पावर फैक्टर बढ़ाना है,
पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लीडिंग सिंक्रोनस मोटर को काम करवाएंगे। और इसके अंदर क्या रहता है हमारे पास सिस्टम रहता है ओवर एक्साइट का, ओवर एक्साइटेड और नो लोड पर हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बढ़ाएंगे तब मोटर की क्या कंडीशन होती है, ओवर एक्साइट, नो लोड पे और लीडिंग कंडीशन में काम होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पीजो इलेक्ट्रिक सामग्री की बात चल रही है, 53 नंबर क्वेश्चन है। पीजो इलेक्ट्रिक सामग्री का एक उदाहरण है, आपको इसका उदाहरण बताना है और कुछ अलग और जो उदाहरण हमारे पास है, कुछ और हमारे पास जो इनके एग्जांपल रहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक के, वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा सारी बातें। तो इसका आंसर आप रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में, पीजो इलेक्ट्रिक सामग्री का एक उदाहरण है। यस, क्या उदाहरण रहेगा? तो देखिए, पीजो इलेक्ट्रिक का जो उदाहरण रहेगा वो रहेगा क्वार्ट्स। यहाँ पर क्या होता है, क्वार्ट्स हमारे पास जो पीजो इलेक्ट्रिक का एक पदार्थ होता है क्वार्ट्स। आप बोलोगे जी पीजो इलेक्ट्रिक का एक क्वार्ट्स ही होता है क्या? नहीं, कुछ और भी हमारे पास होते हैं। कौन कौन सा? एक तो आप नोट कीजिए, बेरियम, बेरियम टाइटेनेट। ठीक है, बेरियम टाइटेनेट होता है। एक हमारे पास होता है क्या, गैलियम फास्फेट। गैलियम फास्फेट, बेरियम टाइटेनेट, क्वार्ट्स, ये सारे क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ की क्या है, सामग्री है। ठीक है ना, तो समझ में आपको आ गया होगा। पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या आपको पता है क्या? पीजो इलेक्ट्रिक, पीजो इलेक्ट्रिक का सिस्टम का मतलब क्या होता है कि पीजो इलेक्ट्रिक पर जब हम स्ट्रेस लगाएंगे ना, यानी कि दाब कोई देते हैं, तब क्या हो जाएगा, इस पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा हमें मिलती है पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ से। तो चलते हैं आगे, हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सर्किट ब्रेकर से है, 54 नंबर। तो सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग क्षमता को सामान्यतः खालिस्तान में व्यक्त किया जाता है। यस, आज हम टोटल क्या 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाएंगे, तो पता चल जाएगा भी हाँ आपकी तैयारी कैसी है। 15 क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन में कम से कम अगर 12 क्वेश्चन आपके सही है तो मानते हैं आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है। तो इसका आंसर आप रिप्लाई करें क्या रहेगा हमारे पास, सर्किट ब्रेकर में ब्रेकिंग क्षमता सामान्यतः, यानी ब्रेकिंग क्षमता की बात करें तो ब्रेकिंग क्षमता को हमेशा MVA में हम डिनोट करते हैं, MVA में। ठीक है, अब आप एक बात और बता दीजिए साथ में, जो हमारे पास ब्रेकिंग क्षमता है, जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है, ब्रेकिंग कैपेसिटी हमेशा किस पर काम करती है? ब्रेकिंग कैपेसिटी हमेशा RMS वैल्यू पर काम करती है। ठीक है, अब आप बोलोगे इसका फॉर्मूला भी बता दीजिए साथ में, तो फॉर्मूला क्या रहता है इसका, √3V/I, यहाँ पर क्या रहेगा, 10^-6। ठीक है, ये आपको याद रखना ब्रेकिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला रहता है। ओके, इसी के साथ में एक और हमारे पास, ये तो ब्रेकिंग कैपेसिटी है, इसी के साथ में एक और कैपेसिटी होती है, कौन सी, मेकिंग कैपेसिटी। मेकिंग कैपेसिटी की बात करें तो मेकिंग कैपेसिटी हमेशा किस पर काम करती है, मेकिंग कैपेसिटी हमेशा पीक वैल्यू पर काम करती है। ये सारी बातें आपको नोट करनी है। ठीक है ना, जो भी बातें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पता नहीं कितनी ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया ब्रेकिंग कैपेसिटी वाला। ओके, तो जितने पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं इनको आप नोट डाउन कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यस, 55 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इनमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है? हाँ भी हरियाणा वालों रिप्लाई कीजिए। ठीक है, के रेवगा इसका क्या आंसर बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा, सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है। यस, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, कंजर्वेटर, एक्सप्लोजन पोर्ट और फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट, सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है। तो चलिए फिर देखिए, इसके अंदर हमारे पास सर्किट ब्रेकर का हिस्सा कौन सा नहीं होता, ये नहीं होता कंजर्वेटर। ठीक है, कंजर्वेटर जो टैंक है वो सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है। तो आप बोलोगे किसका है, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का हिस्सा होता है। आप सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर के ऊपर एक कंजर्वेटर टैंक लगा होता है, इससे क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है ना, ऑयल का जो फैलाव होगा तो वो कंजर्वेटर के अंदर चला जाए और जब तेल ठंडा होता है तो वापस क्या है, उसके अंदर कंजर्वेटर के अंदर यानी कि टैंक के अंदर आ जाए। ठीक है, ये ऑयल को क्या है, मतलब यहाँ पर सेफ रखता है प्रोटेक्शन देने के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, सर्किट ब्रेकर का हिस्सा कौन सा नहीं है, कंजर्वेटर नहीं है। इसके अंदर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है सर्किट ब्रेकर में, एक्सप्लोजन पोर्ट होता है, जब इसके अंदर ब्लास्ट होता है ना सर्किट ब्रेकर में तो वो पोर्ट भी इसके अंदर होगा, और फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन है, पिटोट रिले का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। यस, इसका आंसर रिप्लाई करें, पिटोट रिले का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। पिटोट रिले बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शायद देखते हैं कि इसका आंसर कौन रिप्लाई करता है, किसका सही रहेगा, पता चल जाएगा भी हाँ उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन तक जो भी बच्चा पहुंच चुका है उसकी समझ लीजिए तैयारी काफ़ी अच्छी है। तो देखते हैं 56 नंबर का पिटोट रिले, तो चलिए चेक कीजिए आपका आंसर सही है नहीं। पिटोट रिले जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, हाई स्पीड ट्रिपिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि बहुत ही तेज़ गति से क्या ट्रिप होती है पिटोट रिले। ठीक है, अब आप बोलोगे जी पिटोट रिले तो हमने देखी नहीं कहाँ पर होती है, देखिए पिटोट रिले हमारे पास कहाँ होती है, आपने अभी देखा है ट्रांसफार्मर का, मैंने आपको बात बताई है ट्रांसफार्मर एक हमारे पास टैंक हो गया, ये क्या हुआ ट्रांसफार्मर का टैंक रहेगा सॉरी ट्रांसफार्मर का टैंक रहता है, इसी के साथ में एक हमारे पास होता है कंजर्वेटर साइड में। ठीक है, और कंजर्वेटर के पास हमारे पास इस तरह से पाइप लगी होती है कंजर्वेटर से लेकर ट्रांसफार्मर तक, तो यहाँ पर क्या रहेगा इनके बीच में पाइप पर जो एक रिले लगाते हैं, इस रिले को हम क्या बोलते हैं, इस रिले को बोलते हैं पिटोट रिले। ठीक है, पिटोट रिले बोलते हैं। ओके, तो ये किस लिए काम आती है, हाई स्पीड ट्रिपिंग के लिए काम आती है, तो समझ में आपको आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, यस इसका आंसर आप रिप्लाई करें, सारे क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड है, टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इतना लेवल ही आप कर लेते हो ना तो समझ लीजिए आपकी जेई लेवल तक की तैयारी ये हो रही है। ठीक है, ये तैयारी आपकी जेई लेवल तक की हो रही है, सारे क्वेश्चंस मैं आपको जो करवा रहा हूँ ये। यस, इसका आंसर क्या रहेगा बताइए, ऑपरेशन के दौरान जमीन और लाइन के बीच लाइटनिंग अरेस्टर प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है लाइटनिंग अरेस्टर, तो लाइटनिंग अरेस्टर हमेशा हमें क्या प्रदान करता है, लो इम्पीडेंस पाथ को हमेशा प्रोवाइड करता है, कम इम्पीडेंस पाथ होता है। ठीक है, अब लाइटनिंग अरेस्टर की बात करें तो लाइटनिंग अरेस्टर आप सभी को पता है क्या होता है हमारे पास, जो कि आसमानी बिजली होती है ना, आसमानी बिजली से यानी कि तड़ित चाले जिसे बोलते हैं, तड़ित से आसमानी बिजली से क्या है बचाव देता है हमें, कौन बचाव दिलवाता है, कौन दिलवाएगा, लाइटनिंग अरेस्टर। यहाँ पर कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया भी लाइटनिंग अरेस्टर पूरे सब स्टेशन में सबसे पहले या फिर किसके नज़दीक हमें लगाना होता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास लाइटनिंग अरेस्टर है, आप सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ लगाओगे, आपके पास जो सब स्टेशन है कौन से इक्विपमेंट के पास लगाओगे, तो आपको लगाना होता है लाइटनिंग अरेस्टर ट्रांसफार्मर के पास, क्योंकि ट्रांसफार्मर सबसे क्या है कॉस्टली पार्ट होता है बिजली घर के अंदर। ठीक है ना, कॉस्टली पार्ट होता है बिजली घर के अंदर ट्रांसफार्मर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा भी हमारे पास लाइटनिंग अरेस्टर क्या रहेगा, ऑपरेशन के दौरान ज़मीन और लाइन के बीच क्या प्रोवाइड करता है, ये लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर रिप्लाई करें, क्या इसका आंसर रहेगा, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन रिले, आपने नाम सुना होगा मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन रिले। ठीक है, तो इसकी बात है यहाँ पर खालिस्तान के लिए लागू होता है, ये आप रिप्लाई करें किसके लिए लागू होता है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, और इसका दूसरा नाम भी आप बताइए क्या इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या रहेगा वो भी आप रिप्लाई कीजिए क्या इसका दूसरा नाम है। तो देखिए मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन रिले आपने सुना होगा अल्टरनेटर के लिए मेनली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्टरनेटर की जो वाइंडिंग है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। ओके, यहाँ पर इसका दूसरा नाम आपको पूछ लें तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। ठीक है ना, ये आप याद रखिए परसेंटेज डिफरेंशियल रिले इसका दूसरा नाम होता है। तो ये हमारे पास है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन रिले, जो कि अल्टरनेटर के अंदर हम यूज़ करते हैं अल्टरनेटर की वाइंडिंग को सेफ रखने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 59 नंबर क्वेश्चन, यस 310 किलोमीटर लाइन को खालिस्तान के रूप में माना जाता है, लॉन्ग लाइन, मीडियम लाइन, शॉर्ट लाइन या फिर वेरी शॉर्ट लाइन, आपको पता होना चाहिए तीनों की कंडीशन क्या होती है, शॉर्ट और मीडियम और लॉन्ग की, कितनी कितनी दूरी के लिए हम कौन सी लाइन यूज़ करते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए लॉन्ग लाइन की बात करें, लॉन्ग लाइन हमारे पास कितना होता है, लॉन्ग लाइन हमेशा होती है 240 से ऊपर, यानी 240 किलोमीटर है उससे ऊपर रहेगी लॉन्ग लाइन। मीडियम लाइन की बात करें तो ये रहती है 80 किलोमीटर से
240 के बीच, ठीक है। और शॉर्ट की बात करें तो ये रहती है 80 किलोमीटर तक हमारे पास क्या रहेगी, शॉर्ट लाइन रहेगी। तो यहाँ पर आपको देख रहा है, दिखाई दे रहा है 310 किलोमीटर, तो 310 किलोमीटर तो लॉन्ग लाइन के लिए होगा, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, लॉन्ग लाइन इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो जो एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ वो आपको पीछे वाली बातें जो आपने पढ़ी है वो याद हो रही होगी साथ साथ में, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का हम निचोड़ कर रहे हैं, यही तरीका काफ़ी बेस्ट रहता है बच्चों को जो है वो समझाने के लिए और आपके लिए जो समझने के लिए, आप जो भी डाउट है वो साथ साथ में आप क्या है वो आप क्या है मुझे कमेंट कर सकते हो, और जो एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप क्या नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा 60 नंबर, और वैसे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, 95 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ये नंबरिंग थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। सामान्य तौर पर लाइटनिंग अरेस्टर खालिस्तान के करीब स्थित होता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना पहले क्वेश्चन, सेम वही बातें आ गई यहाँ पर। सामान्य तौर पर लाइटनिंग अरेस्टर किसके करीब होता है, तो ये होता है ट्रांसफॉर्मर के करीब, ठीक है। क्यों लगाते हैं ट्रांसफॉर्मर के करीब, क्योंकि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर एक क्या होता है, कॉस्टली भाग होता है, ठीक है, COSTLY, कॉस्टली भाग होता है, सबसे महंगा भाग होता है ट्रांसफॉर्मर जो है वो, क्योंकि करोड़ों के अंदर इसकी जो है वो वैल्यू रहती है ट्रांसफॉर्मर की, ओके। तो ये हमने क्या है टोटल शायद आज 15 क्वेश्चन किए, देखते हैं किस किस के कितने सही हैं, वो आप चेक कर लीजिए, आप खुद से क्या है ईमानदारी से आप चेक कर सकते हो किसके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं। और मैंने आपको बता भी दिया जिसके क्वेश्चन क्या है 12 से 13 क्वेश्चन सही है, 12 क्वेश्चन मान लीजिए 15 में से सही है, तो उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी तैयारी है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, वो देखते हैं कल कंप्लीट कर लेंगे। तो जितने भी आपको मैं क्वेश्चन करवाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, कोई डाउट आपको नहीं बचा होगा, फिर भी कोई डाउट रहे तो आप क्या है कॉमेंट सेक्शन में डाउट है पूछ सकते हो। बस आप सभी इसी तरह से जैसे सहयोग कर रहे हो अपना सपोर्ट आप बनाए रखिए, और आपके सहयोग से ही क्या है 2000 प्लस हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं सक्सेस विद MBS क्लासेस के YouTube चैनल के, ठीक है ना। ये आपकी ही बदौलत पूरा ये कंडीशन हुई है, पूरा काम ये हुआ है। तो इसी जो बात पे क्या है आपके लिए मैथ की क्लास हम लेकर आ रहे हैं, मैथ बेसिक मैथ रहेगा बिल्कुल, जो लाइनमैन वगैरह हरियाणा के अंदर जो पूछा जाता है वही मैथ हम करवाएंगे, ठीक है ना। तो उसकी क्लास भी क्या है जल्द ही आपको देखने को मिलेगी इसी चैनल पे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।